गुड मॉर्निंग। अभी चल रहे हैं हम लोग मैच खेलने। दो टीमें हैं, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल और एंडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, सब जोश में हैं। सुबह सुबह बिल्कुल निकले हैं नहा धो के और पास पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और हमारे कपिल ये वृंदावन वाले गाने सुनाएंगे, भजन बीच बीच में। इनसे मिलिए। और पीछे कुछ बंदे आ रहे हैं, ये देखिए। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं। पैसे देकर मैच में घोटाला ना करें। लगता है क्रिकेट होने की तैयारी निकल रही है, लेकिन हमारे अपाहिज जायंट के कैप्टन संदेश क्रिकेट होने नहीं देंगे। और फिर से अपाहिज फिर से बॉलिंग पे आ गए हैं और तैयार हैं। और एक क्या फिर से नीचे गिराए हैं, कोई पता नहीं। और एक क्या कैप्टन ने छोड़ दिया है पावर जायंट के, लेकिन कोई बात नहीं, इस कैच के छूटते ही पावर जायंट के ने विन कर लिया है। और पावर हीटर्स बहुत बुरी तरह फ्लॉप होती है, पावर हीटर्स का पावर बहुत फास्ट बैल्योर की तरह फेल हो गया। वह कार बरपा दिया है पावर जॉइंट के बच्चों ने। अब ये देखिए मुन्ना सर ने क्या इच्छा जगी हुई है, एकदम गीत गा रहे हैं खुशी से मुन्ना सर, और कुर्सी उठा के चले जाते हुए। और आशीष सर को बहुत बहुत बधाई और विन के लिए। और इंडोरेंस की टीम बुरी तरह के बेस्ट तरीके से हार चुकी है, सॉरी के लिए। और एजीएल ने धमाल मचाया है। बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है, हजारों रातों में वो एक रात होती है। बहुत सुकून मिलता है जब उनसे हमारी बात होती है, हजारों रातों में वो एक रात होती है। जब निगाहें उठाकर देखती हो मेरी तरफ, कसम से वो दिन मेरे लिए पूरी कायनात होती है। जो महाभारत देखा होगा करण के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो वो प्रस्तुत कर रहा है अपने माँ बाप से और सारे संसार के लिए कि सारा जीवन सापित सापित हर रिश्ता बेनाम कहो, और मुझको ही छलने के कारण मुरली वाले श्याम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती कि किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए और रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। वाह, ये तो था कृष्ण भगवान के लिए जो उन्होंने युद्ध में छल किया था। अब अपनी माँ से कहता है कि मन कहता है मन करता है,
कुछ तो माँ के नाम लिखूं और एक जननी के नाम लिखूं, दूजा धरती के नाम लिखूं, कि प्रश्न बड़ा है मौन पड़ा है, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। कि जननी माँ ने वचन लिया है, कि जननी माँ ने वचन लिया है, अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़ा उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। अब अपने पिता से कह रहा है सूर्यदेव से कि सारे जग का तम हरते हो, कि सारे जग का तम हरते हो, बेटे का तम ना हर पाए, और इंद्र ने विषम कपट किया, बस तुमको रास नहीं आया, कि पल दो पल जो रुक जाते तो, कि पल दो पल जो रुक जाते तो मैं अपना सौर्य दिखा देता, उस मुरली वाले के सम्मुखी अर्जुन का शीश गिरा देता। वाह। बेटे का जीवन हरते हो, बेटे का जीवन हरते हो, तुम कैसे दिनमान हुए और रणभूमि में छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। तो रुको जरा, सबर करो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये हर जगह देख लिया, मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करता हूँ कि बंदे आगे बढ़े, ट्रेनिंग दूं, आगे निकले। मैं पूछ रहा हूँ हमेशा इंजीनियर्स को बोलता है, तो भाई अपने नीचे से बंदे निकालो, मुझे दो। अभी मुझे कल एक प्रोजेक्ट मिला है K120 एंडोरेंस का, इंजीनियर चाहिए है ना, तो आपका सुपरवाइजर ही आपको प्रमोट करेगा, मैं नहीं कर सकता, उसके थ्रू आना चाहिए कि सर इसको प्रमोट करो, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, अपना काम सीखना पड़ेगा, और उसके अलावा जो सुपरवाइजर का काम होता है उस पर भी टाइम लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि 8 घंटे काम किया उसके बाद जाकर के पढ़ गए, गर्लफ्रेंड को दिया 4-5 घंटे, गर्लफ्रेंड भी जरूरी है, उससे ही बात करना जरूरी है, लेकिन 8,000 मेरी सैलरी थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी, ओवर टाइम नहीं था, 7,946 रुपये इन हैंड मिलता था मुझे, और आज उसका 15 गुना 20 गुना ज़्यादा मेरी सैलरी है ना। और साथ साथ मैंने बहुत सारे कोर्स किए। एक चीज़ होता है हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना मार्केट में ना, जो जैसे आप लोग आए, आप में इतने टैलेंटेड कुछ लोग होंगे जो मुझे बीट कर देंगे अगर मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा तो, है ना, करेक्ट है ना। यस सर। तो मुझे बीट कर दोगे तो क्या होगा, फिर मैं पीछे हो जाऊंगा, आप आगे, तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि आप मेरी जगह लो, नहीं अपग्रेड करूंगा तो। ये भी मैंने हमेशा अपने आप को अपग्रेड किया, मैं वही चाहता हूँ, कुछ ना कुछ कोर्स करो, बाहर पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो। मैंने अपने जब 7,000-8,000 सैलरी थी ना, तब मैं अपने पैसों से पेड ट्रेनिंग लेता था, और मेरा खर्चा इतना था कि तुम्हें पता है मैं क्लासिक सिगरेट शुरू से अब तक पीता हूँ, दारू मैं दवा के पीता हूँ, ये नहीं तुम भी पीने लग जाना, दवा के मतलब जब पीता हूँ, हफ्ते में 2 दिन पीऊँ तो दवा के पीता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ गंदी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके काम पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं अपने काम पे कभी भी इम्पैक्ट नहीं आने देता हूँ। मैं दारू पी के भी ना, रात को बताया ना, 2 बजे भी फ़ोन कर देता हूँ इंजीनियर्स को, हाँ बताओ भाई ये क्या है, कैसे हो रहा है, और ये नहीं कि फिर उनसे बदतमीजी करूँ, काम से उनसे वो करता हूँ, है ना। ठीक है, तो यही कहूँगा कि सारे अपने आप को अपग्रेड करो, ओपन मार्केट है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, टैलेंट की कमी है। हम अभी जिस फील्ड में है ना, इस फील्ड में बंदे नहीं है मार्केट में आज के टाइम पे ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां है, SGS है, ब्यूरो वेरिटास है, बंदे ढूंढ रही है, बंदे नहीं मिल रहे उनको, हाई पोस्ट पे, मेरे वाले पोस्ट पे ना बंदे ढूंढ रही है। मेरे पास 3-4 ऑफर है अभी, करेक्ट है। तो ये हमेशा टैलेंट एड ऑन करते रहो, कुछ ना कुछ एड ऑन करते रहो। मुझे सेल्स बिल्कुल भी लाइफ में पसंद नहीं था, सेल्स से मुझे नफरत है, सेल्स करना समझते हो ना। यस। क्योंकि सेल्स में क्या होता है, आपको तेल पानी लगाना पड़ता है, अप्रोच करना पड़ता है, मेरी वैसी आदत है, शायद जो लोग मुझे जानते हो जानते भी होंगे, लेकिन वो भी मुझे अपग्रेड करने के लिए करना पड़ा, क्योंकि अब सैलरी इतनी होती जा रही है, तो सेल्स नहीं करूंगा तो ऑपरेशन में तो एक जगह रुक जाऊंगा ना, तो पैसा चाहिए तो आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यही कहूंगा अपग्रेड करिए, लीडरशिप की क्वालिटी लाइए, लीडर हमेशा पॉजिटिव लीडर बनना चाहिए, है ना। लीडर कोई भी बन सकता है, लेकिन लीडरशिप वाली क्वालिटी आनी चाहिए, टीम को साथ में लेके चलना, पॉजिटिव वाइब्स देना, करेक्ट है। और एक चीज और है, AEL टीम के लिए यहाँ पे, क्योंकि एंडोरेंस की भी टीम है, तो इनको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमें एंडोरेंस का बिजनेस मिला है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ AEL।